नमस्ते दोस्तों, समय गुजारने के लिए आप क्या करते हैं? मूवीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं। फिल्म जिसमें हमें हर प्रकार का रस मिलता है, फिल्म जो मारधाड़ से भरी पूरी होती है, फिल्म जिसमें संदेश होता है, फिल्म जो समाज को किसी आईने की तरह आपके सामने खड़ा कर देती है, फिल्म जो प्रेरित करती है, फिल्म किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरणा देती है। आज विद्यांचल मना रहा है द बर्थ ऑफ इंडियन सिनेमा। पर क्या आपको पता है फिल्मों की शुरुआत भारत में हुई कहां से थी? आज विश्व में नंबर एक पर आता है भारत। हर साल सारी भाषाओं में लगभग 1800 फिल्में बनती है एक साल में, मनोरंजन से भरपूर। कहां से शुरुआत हुई होगी इन सब चीजों की, आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला कदम फिल्म निर्माण के जगत में उठाया था दादा साहब फाल्के ने। सन 1913 में दादा साहब फाल्के ने पहली मूवी बनाई थी, पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। ये फिल्म जब रिलीज हुई लोगों ने इसे सर पे उठा लिया, क्योंकि वो पहली बार कोई चीज पर्दे पर चलती हुई देख रहे थे, पर उसमें आवाज नहीं थी। फिल्म निर्माण के जगत में नया क्रांतिकारी कदम अर्देशीर ईरानी नाम के डायरेक्टर ने तब उठाया जब उन्होंने पहली बोलती हुई फिल्म भारत में बनाई। नाम था आलम आरा। रिलीज हुई थी 14 मार्च 1931 को, और तभी से फिल्मों का एक परंपरा चल पड़ी जो आज तक कायम है। आप भी हमारे साथ इस दिन को मनाइए, द बर्थ ऑफ इंडियन सिनेमा। विद्यांचल आपके साथ शेयर कर रहा है पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र। जरूर देखिए और मुझको बताइएगा कैसी लगी।